Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. I felt that the presidential address should have been a strategic address, a address that spoke to India about where we are and where we should be going. What are the challenges we are facing? What are the difficulties we are facing? And what is the potential direction in which we can go? Unfortunately, the presidential address was a long list of things that the government claims to have done, but didn't really contain the deeper strategic issues that we would have liked to see. Also, the presidential address didn't touch a couple of central challenges facing our country. And that's what I would like to discuss today. To me, it seemed that the presidential address was a list of bureaucratic ideas instead of a strategic vision. So what did the presidential address miss? What did the presidential address not speak about? What did the presidential address hide from the people of India? I think there are three fundamental things that were not spoken about in the presidential address. The first, and what I consider to be the most important, is the idea that there are now two Indias. There is now no longer one India. There are two Indias. One India is for the extremely rich people, for those who have immense wealth, for those who have immense power, for those who do not need a job, for those who do not need water connections, electricity connections, but for those who control the heartbeat of the country. Do Hindustan ban rahe hain. Ek ameeron ka Hindustan aur dusra garibon ka Hindustan. और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है. आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने यह नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला. गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है. प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था. और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है. हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो. और आपकी सरकार नहीं दे पा रही. आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं. इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं. आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं. 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है. ये दो हिंदुस्तान पैदा कैसे हुए? रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उधर बनता है. लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर
हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है, उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया, देखिए अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, फिर दो हिंदुस्तान नहीं बनते। जो लोग आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना सकते थे उनको आपने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन है? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि ये जो गरीब हिंदुस्तान है जिसको आप बना रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये चुप नहीं बैठा रहेगा। ये आंकड़ा आप सुनिए, ये आपकी सरकार की देन है, ये आंकड़ा अच्छी तरह सुनिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा, आपका नहीं देश का नुकसान होगा।